ऑफिस में जाकर सुरंग खोद रहा है जो तू थक गया। मैं रोज दे रहा 2-3 दिन से खाना आप ढंग का बनाते ही नहीं। पर मैं सर बनता हूं भाई, मेरे सिर में होगा तब। यार आप कड़ी बनाने में लगे रहो, पर मैं हां आप अट्ठा बदतमीज है। मैं मट्टा जी है एक तो ना उजो तो जूते वाले को गाली के हंसी दुनिया के और लेकर जाओ सारे के सारे हैसी आप को बाबा पत्ता भी सारे मसी की दाल बना लो उनको भी ले लिए। और क्या धानी रोटी बनाओगे? हां और क्या बनाओगे? हां ये बता और मेरा कार्ड जा। गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, और मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू ब्लॉग गाइज। और गाइज अभी हम सुबह के 7 बजे आए हैं अपने गांव के पास में। बालकुमारी मंदिर है जो आप पीछे देख सकते हैं, और उसके बगल में बना है न्यूली घाट, बालकुमारी का घाट। और ये देखो, और यहाँ से जो सुबह को 7 बजे व्यू आता है वो कहीं और किसी जगह पे हरिद्वार में आता होगा जो यहाँ से आता है भाई सुबह सुबह। ये देखो यहाँ से मेन गंगा की धाराएं बहती है और पीछे हमारे गंगे मैया प्रवाहित हो रही है। और ये बहुत अच्छी जगह है कि यहाँ पे आके योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और भगवान के प्रति ध्यान भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं भी सोचा कि चलो ठीक है, आज थोड़ी सी मेहनत और जद्दोजहद करके सुबह उठ के आते हैं ठंड में, क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है। दिसंबर आज स्टार्ट हो चुका है, 1 दिसंबर है, तो इसीलिए मैं भी सुबह सुबह आ गया। और देखते हैं आज थोड़ा इस व्यू का नजारा और मजे लेते हैं, और सामने गंगा मैया की धाराओं को आपको दिखाते हैं क्लोजली और दूर से, और पूरा शॉट देखते हैं। सामने पूरे माउंटेन रेंजेस है, देखो चेक करो पीछे हमारे। जानवर नहीं है वो, इंसान है जो ट्यूब पे तैर तैर के आ रहा। देख रहे हो पीछे मछली की तरह भाई पैर घुमाता घुमाता सारा। और सुबह सुबह इनका काम है लकड़ी लाने का जंगल में से। देखो सामने जंगल है, और जंगल में से क्रॉस करके यहाँ पे नदी पार करके बिल्कुल गंगा मैया को आपको क्लोजली दिखाएंगे भाई, ठीक है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो ठीक ऐसे गंगा मैया का प्रवाह है, और बिल्कुल शांतिपूर्वक जाती रहती है गंगा मैया अपनी मंजिल की ओर। और ऐसे ही हम जैसे पापियों को पाप से मुक्त करके हमारी गंगे मैया हरिद्वार से भी पास थ्रू होके चली जाती है। और गाइस जो ये घाट बनाया ना वो भी यार सच में बहुत बढ़िया है, और अभी काम इसका पूरा नहीं हुआ, अभी यहाँ पेंट भी होगा, ग्रिल वगैरह भी लगेगी। तो बहुत अच्छा घाट है भाई, कि हम बहुत ज्यादा टाइम से मांग कर रहे थे पूरे गाँव वाले और आसपास के लोग कि भैया घाट बनना चाहिए, और एक ऐसा घाट बनना चाहिए जहाँ पे लोग आके अपना एक अच्छा सा समय बिता सके, और भाई कोई योगा कर सके, कोई कुछ भी मतलब प्रैक्टिस कर सके, और सब आके यहाँ पे शांति से बैठ सकते हैं। और भैया मैं जो भी मेरे आसपास रहता हूँ ना वो यहाँ पे जरूर आए, क्योंकि बहुत प्यारी जगह है। और सुबह को जब आप आओगे ना तो भैया एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा, और एक अलग ही व्यू देखने को मिलेगा, और एक मन को शांति मिलेगी वो तो अलग ही है। क्योंकि हम पूरे दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, मैं खुद पूरे दिन जॉब में लगा रहा हूँ, तो अब सोच लो इसलिए मैं सुबह आ गया, और मन को ऐसी शांति मिली ना कि आज का पूरा दिन ऑफिस में बहुत प्यारा हो जाएगा, सही बता रहा। और ये देखो भाई सूर्यदेव भगवान जी फिर से हमें दिख गए हैं। देखो देख रहे हो भाई इस घाट पे ना पत्थरों से फेंसिंग की हुई है, कि जब भी कोई बड़ा पत्थर आए तो यहाँ पे इस घाट को डैमेज ना कर सके। तो यहाँ पे इसलिए पहले साइड में बड़े बड़े पत्थर लगाए गए यहाँ पे सीमेंटेड टाइप में, और इधर यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हुए, और फिर इधर है सीढ़ियाँ घाट की। तो अभी इसका काम ऑन द वे है और प्रोसेस में है, तो अभी काम चल ही रहा है यहाँ से। तो आप यहाँ आओगे तो ये नज़ारा देखोगे भाई, ये देखो ये नज़ारा देखने को मिलेगा आपको सामने का। तो अभी तो यहाँ पे इस घाट पे बहुत कमी थे, एक भैया दिखे थे, बाकी तो और कोई है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी होगा तो भाई पता ही नहीं, और भाई सर्दी के कारण कोई आना भी चाहता नहीं, सीधी सी बात तो यही है। बट जो कुछ लोग हैं ना भाई फाइट करके आए थे कि यहाँ सर्दी के बाद भी चलना है थोड़ी देर घूमने के लिए, तो भैया ये जगह बढ़िया है और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत प्यारी ही जगह है। और आपका यहाँ का सनराइज़ देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और सामने कितनी प्यारी प्यारी माउंटेन रेंज दिख रही है भाई, और उसके बाद है फॉरेस्ट एरिया पूरा। और ये देखो भाई नज़ारा, भैया व्यू है, कुछ भी बोलो व्यू है, एक नंबर वो भी। तो गाइज होप करता हूँ आपको पूरा जो व्यूज़ हैं और शॉट्स हैं अच्छे लगे हों, बालकुमारी वाले घाट की जो न्यूली बना है। और बस अब घर जाने का समय हो गया, क्योंकि 7:40 हो गए और 8:30 बजे मेरे को घर से रवाना होना पड़ता है ऑफिस के लिए। तो अब थोड़ी टाइम मेरे को इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं यहाँ रुकूँ और शॉर्ट्स लूँ या और वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि अब घर जाना ही पड़ेगा, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे, क्योंकि अपने घर के तो 1 किलोमीटर के भी दायरे में है, सोचो 1 किलोमीटर के अंदर में है, तो यहाँ तो हम हर रोज आते भी सकते हैं।
पर यार ठंड के मारे और भी बहुत सारे सरकमस्टांस आ जाते कि नहीं आ पाते। तो चलते हैं जल्दी से अपने वापस दिहाड़ी की ओर, रेडी होता हूँ और फिर चलता हूँ दिहाड़ी पे। ठीक है, बोलो जय श्री राम। और बहुत मजा आया भाई, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुकून मिला। थोड़ी देर 10-15 मिनट यहाँ पे बैठा बिना ब्लॉक के और बहुत ही प्यारा लगा। ठीक है, बोलो जय श्री राम और जल्दी से चलता हूँ घर। चलो भाई देखो व्यू, व्यू है भाई, व्यू बेहतरीन वाला, ये देखो। चलो भाई फिर चलो, ले लीजिए गाइस। यहाँ पे मैं घर आया और यहाँ पे हमारा भांजू भी उठ चुका है। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग। इसी के साथ आपका भाई स्नान करके आ गया है और रेडी हो चुका हूँ जल्दी से ऑफिस जाने के लिए। और अभी 8:16 है और भैया राम जी का नाम ना ले तो ऐसा हो नहीं सकता। तो क्योंकि देखो सुबह सुबह बढ़िया व्यू देख लिया और भगवान का नाम ले लिया, तो भैया दिन बहुत ही अच्छा जाना है। और हम ना तो हर रोज का दिन ऐसे ही करते हैं कि सुबह सुबह भजन सुनते हैं और मौका मिलता है तो अच्छे व्यूज भी देखने चले जाते हैं। तो यही आपके शताब्दी की जिंदगी है, बाकी फिर दिहाड़ी करने चले जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी। ठीक है, तो अब जल्दी से जल चढ़ाने जाते हैं महादेव जी पे और सूर्य देव भगवान जी को। ठीक है, बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हो सूर्य देव भगवान जी की, जय हो सूर्य देव भगवान जी की, आपको शत शत नमन। गाइस मम्मी जी यहाँ पे सुबह सुबह भांजू की छोटी छोटी नन्नी नन्नी सी पजामी सुखाने के लिए आ गई। भाई रात भर में इतनी गीली कर लेता है वो, सोच रहे हो। तो ये सब सीन है भाई। तो मम्मी ने धूप का पूरा फायदा उठा रखा। मम्मी कह रही धूप पहले भी सर्दियों में बहुत कम देखने को मिलेगा ना मम्मी, सही बात है। हेलो भाई, यहाँ पे अपनी छोटी छोटी सिस्टर्स यहाँ पे रेडी हो गए, रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए, तैयार हो? हैं? यस। कौन सी क्लास में है तो बताओ? नर्सरी। और आप? UKG। तो भैया ऐसे बचपन में हम स्कूल जाते थे जैसे ये जा रहे। ठीक है, चलो भाई जल चढ़ाने चलते हैं। हर हर महादेव, हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ, बोल शंकर भगवान की जय, जय शिव शंभु भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, खेल लीजिए गाइस। यहाँ पे बहुत देर से मेरे साथ गोदी में आने की और खेलने की कोशिश कर रहा था, तो भैया टाइम कम मिलता है तो इसीलिए इसे गोदी ले पाता है ना। बट कोई बात नहीं, 5-10 मिनट खिला लेंगे और फिर चले जाएंगे ऑफिस, क्योंकि 8:30 के बीच। देखो ये लीजिए गाइस, मम्मी जी ने मेरे लिए बना दिया गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। मम्मी क्या बनाया आपने? ब्रेड और पराठे, और वहाँ पे मूली के पराठे। देखो भाई ये लो भाई, मम्मी जी को बहुत जल्दी रहा है। फिर तो क्या मुझे देर होगी? मम्मी मुझे मेरे व्लॉग में धमकाओ क्यों, बताओ। इसी के साथ गाइज मेरा बैकपैक हो चुका है सक्सेसफुली और पापा जी की न्यूज चल रही है और वो बेचारा मेरे को देख रहा है। और जल्दी से अब चलते हैं अपनी दिहाड़ी पे। ठीक है, भाई राम राम, भांजू राम राम, और सभी को राम राम, मम्मी राम राम। ठीक है, और शाम को मिलते हैं 6:30, क्योंकि 6 बजे छुट्टी होती है। ठीक है, तो जय श्री राम। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं सक्सेसफुली घर, शाम के 6:30 डन भाई। गाइस ऑफिस से आने के बाद सबसे ज्यादा मन करता है भाई कुछ खाने का, वो भी मीठा, चाहे ऑफिस में कितना खा लूं पर वो भी थोड़ा है मेरे लिए। तो मम्मी छुपते छुपाते मैं खा रहा हूँ यहाँ पे लड्डू। पता नहीं किसकी शादी में जाए, शादी ब्याह इतने चल रहे तो भयंकर मिठाई 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 खा लेते हैं। और ये लो भाई यहाँ पे मिल गया मुझे गुंदी का लड्डू। तो गुंदी का लड्डू खाते हैं और पेट पूजा करते हैं काफी सारी। तो ठीक है, इसमें मट्टी भी है और बहुत सारी चीजें हैं, तो खाते हैं। मम्मी से छुपके छुपा के, वरना मम्मी डांटेगी, कपड़े नहीं बदलता तू। ठीक है, तो जल्दी से खा लेते हैं। घर आते ही यहाँ पे मम्मी जी के साथ खाने के ऊपर लड़ाई बज रही है भाई साहब, लड़ाई हो रही है। मम्मी कभी कुछ डिफरेंट बनाती नहीं, बस परमानेंट मेरे सामने दाल बना कर रख दो। ऑफिस में पराठे देते दो और घर में दाल देते, बस और कुछ तो नहीं। मम्मी भैया आलू बस, कुछ तो सोच लिया करो। दुनिया में ना 1000 तरीके की चीजें बनाने के लिए, पर आप एक भी चीज नहीं बनाते, बस हर रोज दाल या फिर आलू, आलू टमाटर, बस और कुछ नहीं रखते। ऐसा अब जब शादी कर लो तेरी घरवाली बना कर देख रही। तो अरे मम्मी तो अच्छा आप नहीं आता क्या? आप पहले नहीं आता भाई, बचपन में इतनी बढ़िया चीजें बनाते। टेंशन ना लो, घरवाली भी आपके ऊपर पत जाएगी।
मम्मी देखो ये उल्टी उल्टी बातें ना करो, आप भी अच्छा कुछ बना लोगे तो सही रहेगा। सही बात तो यही है, इतनी बड़े पूरे दिन तो आप यूट्यूब देखते रहो बैठे हुए, पूरे दिन तो आप यूट्यूब देखते रहो। कोई बात नहीं, तो रीत चलती आ रही। क्या रीत चलती आ रही? सबकी सबकी पथरी मेरी भी पथ जाएगी और क्या। अरे मम्मी मैं जो बोल रहा हूँ वो बताओ, ऐसे सोच लगी ना तो घर में नहीं रहोगा। मम्मी मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो बताओ कि खाना ढंग के बनाओ ना, कुछ बस दाल और आलू ना बनाओ और कुछ भी बना लो बढ़िया। कोई नहीं किसी से दब कर आती। आप तो टोबी मम्मी मुझे जो मैं जो बोल रहा हूँ मुझे खाना चाहिए बढ़िया, मुझे खाना एकदम नंबर वन चाहिए बहुत बढ़िया। उड़द की दाल बना लो बढ़िया करके। पापा जी देखो क्या कह रहे, उड़द की दाल बढ़िया करके बढ़िया कर। आने के बाद तुरंत खाने का सिस्टम चल रहा है। मम्मी देख लो खाना बढ़िया होना चाहिए एकदम। मेरे सिर में दर्द होगा, तुम तो कुछ भी नहीं खाते, ये तो कुछ नहीं खाता। तो आप पूरे दिन बैठे रहो, कुछ तो सोच लिया करो, सब्जी कितनी बढ़िया बनानी। दो धान की रोटी लगा के प्याज काट के मूंग मसी की दाल बना लो, गोभी ले लिए। और क्या धान की रोटी बनाओगे? और क्या बनाओगे? हाँ ये बताओ। और मेरा काट जा। अरे मम्मी अच्छा तो अचार भी दे दियो। अचार ले लिए, मूंग मसी की दाल बना लो, अच्छा गोभी ले लिए, अच्छा है नी, धान की रोटी पोदूंग थारे लिए दोनों, और के लिए तुम दोनों खा लियो एक। चलो ठीक है, एक गिलास मट्ठा। हाँ मट्ठा भी मम्मी, मट्ठा हो तो मट्ठा, कहाँ से मट्ठा, कहाँ से मम्मी मट्ठा दे दो मुझे, कहाँ से लाऊं यार? आप कड़ी बनाने में लगे रहो, पर मुझे मट्ठा चाहिए, मुझे मट्ठा चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे मट्ठा चाहिए। जब आपने बोल दिया मेरे तो छुपा कर रखा दीजिए, जरूर मैं बताई जल्दी रखा, कोई पेट में रखा मैंने। देख लो गाइस मैं 9 घंटे ऑफिस में रहा हूँ, 9 क्या 10 घंटे समझ लो, आने जाने में। मम्मी रखा मुझे नहीं पता, आप दोगे मट्ठा मुझे नहीं पता, आप चाहे कहीं से लेकर आगे दो मुझे नहीं पता, कहीं से मैं भीख मांगती फिरूंगी। भीख नहीं मतलब कहीं आप डेयरी में लेकर आनी पड़ेगी, चाहे मुझे लेकर आना, मट्ठा पीऊंगा आज मैं। पागल नहीं अच्छा है बस, आज मेरा मट्ठा आज। अब मैं रोज देख रहा, 2-3 दिन से खाना आप ढंग का बनाते ही नहीं। मम्मी एक बताओ इसके लिए यार कुछ तो मम्मी आपको मैं आपको टिक्की बोलूँ, आप टिक्की नहीं बनाते हैं जिंदगी में? आपने टिक्की बता नहीं कितनी बार, 2-3 बार बनाई हमारे लिए। कुछ अच्छा सा बना दो, मैं सही बता रहा, बहुत बढ़िया, मैं बहुत काम करके आया आज, मुझे बहुत भूख लग रही है, सही बता रहा। क्या काम करके आया? खुद खाया का वहाँ ऑफिस में जाकर? तो जो मेरा काम है मैं वही तो करूँगा, अब मेरा खुदाई का काम देता हूँ, खुद खाया का जो तू थक गया। तो मम्मी आपको क्या बताओ मैं? अच्छा चलो ठीक है, आप बनाने तो रहे, खुद गया मैं वो काम कर गया। काम तो सब दुनिया कर रही, मैं नहीं कर रही काम। आप क्या कर रहे हैं? आप तो पूरे दिन बैठे ना टीवी देखते, सबसे ज्यादा हार्ड नौकरी मेरी, सीरियल देखते रहा पूरे दिन, बस और कुछ नहीं करते। अरे ये घर का काम थारा वो करो, 5 बजे शुरू हो जा रहा, रात को 10 बजे तक रहा। तो मेरी तो ड्यूटी, मेरी ब्लॉगिंग की तो ड्यूटी मम्मी, और बताओ मेरा तो 20,000 भी थोड़े, सच पूछो तो। एक मैंने पहली बार पापा जी के लिए पता भी नहीं है, नंबर पता कहाँ से था, कहाँ से था उन्हें देख देखा था, देखो तो देख जैसे कह रही है ना, ये जूते बताओ, ये जूते के ये पलट का उन्हें यहाँ से नंबर देखा था। अच्छा हमारे दोनों को पता है, नंबर का पता नहीं है तो पता है, सब कंपनी ने अलग अलग जगह रखा। गाइस पता क्या हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने पापा जी के लिए यहाँ पे जूते मंगाए पूमा से, ठीक है, और फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, और भाई क्या हुआ, पापा के 11 नंबर के आते हैं, एक जूता आ गया 10 नंबर का और एक 11 नंबर का। जैसे मेरा 2 साल पहले इन जूतों के साथ पॉपआउट हुआ था ना, सेम मेरा वैसे ही पापा जी के साथ हो गया। तो अब रिटर्न मार दिए, तो मम्मी जी को दूर जाना पड़ता है। दूर क्या मम्मी, कहीं 200 मीटर की दूरी में जाओ और फिर भी माफी करो। बदतमीज तू पागल लगा, दो तो सिखा दिया क्या, मतलब एक छोटा एक बड़ा दो, उसकी क्या गलती, उसकी वो तो बेचारा डिलीवरी बॉय था, तो फिर उसने क्या कहा कि मका देख ला, तूने कहा हाँ छोटा है बड़ा, मका ढंग से भी सलाम दे दो करो तुम, तो वो क्या करता है, वो क्या बोला, फिर मैंने कहा मका भाई वो देखा ही क्या लगा तिराए पर, मका हाँ तिराए पर, क्योंकि सरसा के बाहर तिराया ना, जिस दिन में मका निखिल के नाम से आवा ना डिलीवरी, मका तिराए पर आ जाओ। तो गाइस देख रहा हूँ मम्मी जी ने आज डिलीवरी बॉय कुछ वो टाइट कर दिया, जिसकी बेचारी की लेना देना लेना एक ना देना दो। तो भैया आज तेरे अकाउंट में कितने पैसे आए? अभी आए नहीं, अभी आओगे। मैंने ना 1210 रुपया दे रखे, 1 रुपया फालतू दे रखा, 1209 रुपए थे, मैंने 10 रुपया दिए थे, तो मैं नहीं आने के। चलो ठीक है, मैं 1200 तो मैं कह दूंगी भाई अगर बतू दे। चलो ठीक है गाइस, तो गाइस ये कुछ सीन है और ये सिस्टम चल रहा है हमारे घर में। बाकी आज मैं पूरी उम्मीद लेके आया था कि आज मुझे शादी में जाना होगा, पर शादी है ही नहीं, बताऊँ किसी की भी, मैं क्या करूँ, शादी की रेस कर लूँगा किसी की, बिल बुलाए चला जाऊंगा, चला है पैसे आप दे दू,
जी गाइस, पापा जी की नजरे गट चुकी है यहाँ पे मैच की ओर, जो कि स्टार्ट हुआ है 7 बजे। और गाइस मैंने तो कसम खाई थी भाई साहब 19 के बाद मैच ना देखने की, बट पापा जी ने वही कसम दोबारा तोड़वा दी मेरी, समझ रहे हो। पापा जी हर रोज मेरे वाले कमरे में मैच चला के बैठ जाए, और वो भी जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा हो, जिससे हम 19 तारीख को हारे थे ना भाई, उस दर्द को अब मैं भूल नहीं सकता बिल्कुल भी। बट T20 अंग्रेज है तो T20 वर्ल्ड कप अगले महीने 7-8 महीने बाद है, तो फिर वही लाइन में लग गए हम, क्योंकि इंडिया इस बार बड़ी मतलब बेकार नहीं खेली, बहुत अच्छा खेल के आ रही है, वो बात कह सकते हैं। बाकी अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बी टीम का है, पर बहुत बी सुपर टीम है भाई, तो बढ़िया मजा आ रहा है देखने में। बाकी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या करे भाई, दिल तो जिद्दी है और क्रिकेट देखने वाला भी है। गाइस यहाँ पे आज बनाई जाने वाली है हमारे घर में धान की रोटी, ये देख रहे हो भाई कितना वाइट आटा होता है, धान मतलब होता है चावल, चावल की रोटी बनेगी ना मम्मी, बताओ तो सही। तो मम्मी जी को पोते हुए दिखाएंगे भाई कि कैसे मम्मी जी धान की रोटी बनाती है। तो भाई पहले तो इसे गूंथना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि टूटता रहता है, चावल का आटा टूटता बहुत जल्दी है ना, तो इसीलिए तो इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक लगते हो। कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें है? पहले तो भाई मेरे पाँव नहीं थे बनाने, पर कितने साल फिर हमने सीख लिया था? सीखने में इसमें एक्सपीरियंस है, इसमें तो 2-4 दिन की बात है। अच्छा बेटी, चलो ठीक है बेटी। हाँ बापू। और गाइस मैं ऊपर आया तो भैया माँ जी ने तो कंबल और शॉल ओढ़ लिया, तो मतलब आज सच में ठंड आ गई। और माँ जी का एक डायलॉग है बहुत फेमस, तो माँ जी सुनाई जरा। चुप में छेड़ता नहीं जवान मेरे भाई, अच्छा और बुड्ढो को मैं छोड़ता नहीं चाहे ओढ़ लो रजाई। तो भैया बुड्ढो को नहीं छोड़ते भाई अड्डा है, तो इसीलिए माँ जी ने कंबल ओढ़ लिया भाई है। सही है भाई, सही है। गाइस पापा जी यहाँ पे अच्छे वाले मैच देख रहे थे, और मम्मी जी आई रोटी पोती पोती, और मम्मी ने कहा बेटा मेरा सीरियल आ रहा और वो चलाओ। और आपको बताइए भाई घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? मम्मी जी की, ठीक है, मम्मी जो कहते हैं वही हो जा, बाकी घर में बाहर तो पापा जी की चलते हैं। बाबा जी मम्मी जी की आवाज सुनते सुनते मैं आ गया, देखो भाई धान की रोटी पोई जा रही है मम्मी जी के हाथों से। तो भैया आप किसी, अरे यार मम्मी कैसी बात कर रहे हैं, तो गाइस किसी ने अपनी मम्मी को रोटी पोते देखा है धान की? तो ये देखो भाई मम्मी जी ने अचार डाला, ये देखो भाई बहुत तिक्की मिर्च, मम्मी से बता रहा तो, बस। हाँ तोते उड़ जाएंगे मेरे, से बता रहा तोते भी और पोते भी। अरे भैया ये लीजिए गाइस यहाँ पे अपना खाना आ चुका है, डिलीशियस डिलीशियस, पापा जी का भी और मेरा भी, और सामने चल रहा है मैच अच्छे से तरीके से, ठीक है। तो मैच देखते हैं और अपना डिनर करते हैं। लीजिए गाइस अब हम आ चुके हैं अपने बान जी के साथ खेलने के लिए, क्योंकि पूरे दिन में यही टाइम होता है हमारा खेलने का, है ना, खेले। मैं छत पे से घूम के आ रहा, और ये देखो भाई सर्दी इतनी लग रही भैया, चारों ओर मैंने पैक कर लिया मामला, पर्दे वर्दे लग गए बढ़िया करके, और मैं बाहर ही घूम रहा, सोच रहा सर्दी में। गाइस जल्दी से अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं, और फिर कल सुबह को मिलेंगे, ठीक है। बाकी गुड नाइट, ठीक है दादा, आप सभी को गुड नाइट करते हैं और राम राम जी करते हैं। और भैया देखो आज कहीं जाना नहीं हुआ, तो इसलिए सोचा चलो ठीक है घर के थोड़ा माहौल दिखा देते हैं और क्या चल रहा है सिस्टम। और बाकी कल को फिर से वही दिहाड़ी जाना है, क्योंकि शनिवार है तो जाना तो पड़ेगा ही गाइस, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, ठीक है, राम राम जी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।